दिल्ली के जंतर मंत्र ते पहलवाना दे धरने ते पाबंदी तो बाद हुण उन्होंने वड्डा फैसला लिया। मंगलवार को एक ट्वीट च विनेश फोगाट ने ओलंपिक मैडल गंगा विच वहाउण दा ऐलान किया। उन्होंने लिखा, मैडल साडी जिंदगी है, साडी आत्मा है। गंगा च बह जाण तो बाद साडे जीण दा कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इसलिए असीं इंडिया गेट ते मरण वरत ते बैठांगे। विनेश फोगाट ने अगे कहा, इंडिया गेट उन्हां शहीदां दा स्थान है जिन्होंने देश लई अपनियां जानां कुरबान कीतियां। असीं उन्हां वांग पवित्र नहीं हाँ, पर अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते खेडदिआं साडियां भावनावां भी उन्हां फौजियां वर्गियां सन। अपवित्र सिस्टम अपना काम कर रहा है ते असीं अपना कर रहे हाँ। हुण लोकां नूं समझना पएगा कि उह अपनियां इन्हां तीआं नाल खड़े ने जां उस सिस्टम नाल जो इन्हां तीआं नूं तंग परेशान कर रहा है। अज शाम 6 बजे असीं हरिद्वार च गंगा च अपने तगमे वहा देंगे। भाजपा के संसद मैंबर ते भारतीय कुश्ती महासंघ के सबका प्रधान ब्रिग भूषण शरण सिंह ते लगे जिनसी दोषों के खिलाफ धरने ते बैठे पहलवाना ने कहा कि 28 मई नूं जो होया तुसी सब ने देखा। दिल्ली पुलिस ने साडे नाल किहो जिहा सलूक किया, सानू किन्नी बेरहमी नाल गिरफ्तार किया गया सी। असी शांतिपूर्वक अंदोलन कर रहे सी, साडे अंदोलन वाली थां ते वी भनतोड़ की। अगले दिन साडे खिलाफ गंभीर मामलों च FIR दर्ज की गई कि महिला पहलवाना ने अपने नाल हुए जिनसी शोषण का इंसाफ मांग के कोई जुर्म किया। दिल्ली पुलिस ते सारा सिस्टम साडे नाल अपराधियों वांग व्यवहार कर रहा है, जदों के जालम शरेआम मीटिंगां च साडे उत्ते टिप्पणियां कस रहा है। टीवी ते महिला पहलवाना नूं बेचैन करन वालियां अपनियां घटनावां नूं खुले दिल नाल स्वीकार करके उह उहनां नूं हासे च बदल रहा है। उह पोस्को एक्ट नूं बदलन दी वी खुल के गल कर रहा है। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।